हेलो दोस्तों, आपके अपने मरुद्रा यूट्यूब क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पुलिस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 2019 की रिक्वायरमेंट आई है। उसमें लगभग 650 के लगभग पोस्ट है इसमें, और जिसकी सैलरी रहेगी 25,500 से लेकर के 81,000 तक इसकी सैलरी है। ये लेवल 4 के अंदर है वेतन मैट्रिक्स। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या खबर आई है आज। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस में जो रिक्वायरमेंट है ये है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस में प्रधान सिपाही, सहायक वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर के पद के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 2000 निकली है। इसका जो ऑनलाइन पंजीकरण की जो होगा वो 28/12/2019 को होगा। उसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि होगी वो 27/1/2020 होगी। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस में वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार होगा, 25,500 से लेकर के 81,000 तक। यहाँ पर समय समय पर केंद्रीय सरकार कर्मचारी को देय और लागू भत्तों के साथ अस्थायी सहायक वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर, सहायक प्रधान सिपाही के लिए निम्नलिखित रिक्तियां भरने हेतु पुरुष और महिला भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वे दिल्ली पुलिस अधिनियम और बल के अन्य सदस्यों के लिए लागू केंद्रीय सिविल सेवाएं नियम तथा समय समय पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगे। नियुक्ति होने पर 1/1/2004 से केंद्र सरकार की सेवाओं में आने वाले नई व्यक्तियों के लिए लागू नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन के हकदार होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पद का नाम है प्रधान सिपाही AWO TPO। इसमें पुरुष की ओपन और विभागीय होगी, इसमें महिलाओं की ओपन और विभागीय डिपार्टमेंट में कुल रिक्तियों की संख्या है यहाँ पर सामान्य वर्ग की 134 है पुरुष में, और उसके लिए विभागीय में 15 है। उसके अलावा EWS की यहाँ पर पुरुष में 40 है, उसके अलावा विभागीय में 4 पोस्ट है। उसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग की 93 पोस्ट है, और विभागीय वाले डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति की 76 और 8 है, अनुसूचित जनजाति की 49 और 6 सीटें हैं। इसके अलावा मतलब कुल है यहाँ पर पुरुष की 392 और 43 से ओपन डिपार्टमेंट और विभागीय डिपार्टमेंट। उसी प्रकार से महिलाओं की देख सकते हैं आप, सामान्य की 67, विभागीय में 7 है। उसके अलावा EWS की यहाँ पर 19 है और 2 है, 45/5, 38/4 अनुसूचित जाति की, उसके अलावा अनुसूचित जनजाति की 24/3 है। इस प्रकार से 197/21 है। तो यहाँ पर जो कुल पोस्ट है, सामान्य की 223 है, EWS वालों की 65 सीट है इसमें, अति पिछड़ा वर्ग की 153 है, उसके अलावा अनुसूचित जाति की यहाँ पर 126 है, उसके अलावा अनुसूचित जनजाति की 82 सीटें हैं। यहाँ पर टोटल कुल पोस्ट यहाँ पर 649 है। यहाँ पर देख सकते हैं वेतन मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर 25,500 है, 21,400 तक सैलरी है। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या निर्देशात्मक, जिसमें अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पणी, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्ति आरक्षित है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिक भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अधीन आवेदन करने के पात्र नहीं है। यहाँ पर देख सकता है देश के सभी नागरिकों के निम्नलिखित क्षेत्र पूरी करना है आपको। अति पिछड़ा वर्ग की यहाँ पर 30 वर्ष एज है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 32 वर्ष एज है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी EWS उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 18-27 वर्ष है। निम्नलिखित वर्ग उम्मीदवारों के नीचे वर्णित आयु तक छूट दी गई है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर OBC अति पिछड़ा वर्ग में आता है तो इनके लिए 30 है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित की 32 वर्ष है। विधवा तलाकशुदा इनके लिए 35, इनके 40 वर्ष है, 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष, जो कि तलाकशुदा महिलाएँ। पुरुष खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, EWS के लिए 32 वर्ष है, उसके अलावा 37 वर्ष है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। दिल्ली पुलिस के विभागीय उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 40 वर्ष, 43 वर्ष, 45 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मान्यता बोर्ड से प्राप्त 10+2 वरिष्ठ माध्यमिक विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण, वरिष्ठ माध्यमिक विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए दोस्तों। उसके अलावा मैकेनिक, कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रेड, राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र NTPC होने चाहिए। व्यावसायिक अपेक्षा अंग्रेजी वर्ड प्रोसेसिंग गति 15 मिनट में 1000 की, मतलब यहाँ पर देखो टाइपिंग भी मांगी है। कंप्यूटर कार्य की बुनियादी ज्ञान, PC की ओपनिंग क्लोजिंग प्रिंटिंग, MS Office का प्रयोग, अंकित पाठ में सेविंग सुधार करना, पैराग्राफ सेटिंग नंबरिंग करना, चेतावनी, आवेदन पत्र में झूठी सूचना नहीं देनी आपको वरना कार्यवाही हो सकती है, दस्तावेज प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या जालसाजी नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र केवल उन आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा जो वेबसाइट www.dillipolis.nic के जरिए आपको फॉर्म भरना है। शुल्क यहाँ पर आवेदन शुल्क 100 रुपये केवल ऑनलाइन होगा, अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं होगा। उस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों आज की यही खबर है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।